ये जो आप देख रहे हो ये घर की फाउंडेशन है और यहीं पे साथ में बेसमेंट बन जाती है। आप साइड में देख रहे हो विंडोज़ भी निकलनी शुरू हो गई हैं। यहाँ पे सेकंड स्टेज होता है, वहाँ पे जो घर है उसका आउटर स्ट्रक्चर बन चुका है, नेक्स्ट वाले घर की रूफ बन चुकी है एंड उसके आगे जो घर है आप उसको देखोगे पूरी इसकी रूफ कवर्ड है एंड पूरा वुडन स्ट्रक्चर कम्प्लीट है। सो फाइनली घर ऐसे लगते हैं। जब हमने घर लेने का सोचा था और हमने घर देखने शुरू किए थे तो हम बहुत अमेज्ड हुए थे ये देख के कि सारे लकड़ी के घर होते हैं और इतने लकड़ी के घरों की इतनी ज़्यादा कॉस्ट क्यों होती है। बट आई थिंक अब हमें रीज़न पता लगा है कि अगर वो लकड़ी के घर नहीं होंगे तो वहाँ पे हीटिंग नहीं हो पाएगी प्रॉपर, इंसुलेशन का फ़ायदा नहीं होगा। सो ये रिक्वायरमेंट है। बट लकड़ी के नहीं होते खाली, वो उसमें और लेयर्स भी होती हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपर फाउंडेशन उसकी स्टक रहती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये लकड़ी नहीं है और ये वही एरिया जहाँ पे हमने घर लिया है। तो नेक्स्ट फेज के जो ये घर भरने स्टार्ट हो गए हैं, इतना शॉकिंग था कि लकड़ी के घर भरने, जैसे मनप्रीत ने बोला, बट वो इम्पॉर्टेंट होता है। अगर सारे पत्थर के घर होंगे, ब्रिक्स के होंगे पूरे टोटल, तो इंसुलेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। सो अब हम यूज्ड हो चुके हैं लकड़ी के घर देखने में। बट इन लकड़ी के घर की भी कॉस्ट अगर आप सोचोगे तो हैरान हो जाओगे। जो पीछे पूरा घर बना हुआ है डिटैच्ड, 2000 स्क्वायर फीट से ऊपर का घर है वो, बट वो $1 मिलियन का घर है। तो $1 मिलियन बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है अगर आप कन्वर्ट भी करोगे इंडियन रुपीस में, या फिर कनाडा में भी है बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं $1 मिलियन का घर। और ये एक डिटैच अच्छे घर की एवरेज कॉस्ट है। ग्रेटर टोरंटो एरिया, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, जो भी अच्छे एरियाज हैं, और वैंकूवर में तो इससे भी ज़्यादा कॉस्ट होगी, जो कि हमने सुना है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। सो इस पूरी सीरीज़ में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताएंगे। आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर कर लेते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने हाई लेवल प्रोसेस बताया था, तो इससे इनिशियल स्टेप्स आपसे स्टार्ट करते हैं। और ये घर दिखाने चक्कर में मैडम का घर की कीचड़ के अंदर चला गया मेरे नए शूज़ खराब हो गए, पूरा शूज़ खराब हो गया। अब हम वापस घर जाएंगे और इसे धो के फिर आएंगे। वॉक करने जा रहे थे हम, बट वीडियो के लिए बोल रहे हैं पीछे हो और उस वजह से मेरे ऑब्वियसली यार वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहाँ पे कीचड़ वीचड़ तो होगा ही थोड़ा। ठीक है, सॉरी, मैं आज साफ कर दूंगा। बट कंटिन्यू करते हैं वीडियो, शू वगैरह धो के दोबारा वॉक पे जाएंगे, बाकी का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। लंबा प्रोसेस है, धोना पड़ेगा, शूज चेंज कर लिए नहीं तो धूप चली जाएगी, फिर वीडियो बनाना जरूरी है ज्यादा। शूज तुम धोगे जाके, ये बड़ी दिक्कत होती है यार यहाँ पे। ऑल्दो अभी आपको लग रहा होगा कि 6-7 बज रहे हैं, बट कितना टाइम हो रहा है, 8:40 हो रहे हैं। ये भी बड़ी दिक्कत होती है, बट थोड़ा सा फ़ायदा है कनाडा में कि 9-10 बजे तक भी दिन ही रहता है। सो दिन में अगर गर्मियों में हाँ, विंटर में ये नुकसान होता है, 4-5 बजे ही अंधेरा हो जाता है, तो वीडियोज़ वगैरह ज़्यादा नहीं बन पाते। ये एक बड़ा रीज़न है कि आपको जो कनेडियन यूट्यूबर्स हैं उनके कम वीडियो देखने को मिलते हैं विंटर में, और विंटर्स में हम पोलर बियर बन जाते हैं और सुस्त हो जाते हैं। ये भी घर पे ही बैठे रहते बनाते हैं हम वीडियोस, इतनी ठंड होती है। एनीवेज, फालतू की बकैती बंद करते हैं, पॉइंट पे आते हैं और वापस वहां नहीं जाएंगे, वापस नहीं जा रहे और कहीं एरिया से जाते हैं जहाँ पे थोड़ी लाइट भी आए अच्छी। सो काम की बात करते हैं, दोबारा उसी जगह पे आ गए हैं, बट यहाँ पे ठीक है, थोड़ा साफ सुथरा है, पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही है। हमें ही ना समझ लिया, ऐसे निक्कर कर पहन के बैठे हैं, हम ही ना सोच रहे कि कंस्ट्रक्शन वाले हैं। जोक्स अपार्ट, सीरियस बात करते हैं, तो ये सोच के डर मत जाना कि $1 मिलियन का घर हम तो कभी खरीद नहीं पाएंगे कनाडा में, राइट। बट ऐसा नहीं है कि सारे घर ही $1 मिलियन के होते हैं। अगर आप GTA के अराउंड भी अगर आप 6.5 तक का घर ढूंढना चाहो तो मिल जाता है। ऑब्वियसली वो 2000 स्क्वायर फीट से ऊपर नहीं होगा, वो उससे नीचे ही होगा, 1800 स्क्वायर फीट या फिर 1500 स्क्वायर फीट। और बहुत सारे टाइप के घर आते हैं, टाउन हाउस, सेमी डिटैच, डिटैच, ऑफ कोर्स आपको 6.5 के अंदर डिटैच घर नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो वो बहुत ज्यादा सबर्ब में जाके मिलेगा, डाउनटाउन से बहुत ज्यादा दूर होगा, एंड देर आर चांसेस कि बहुत पुराना घर होगा, और उसके ऊपर चांसेस हैं कि बहुत ज्यादा मेंटेनेंस आपका खर्चा हो सकता है। ये तो हो सकता है कि आपने 6.5 का घर ले लिया, बट जब आप उसके अंदर मूव करोगे मे बी उसके अंदर $2 लाख का और खर्चा हो गया, सो वो बेनिफिट नहीं है आपको। इसलिए रियल्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रियल्टर आपको पूरा इंस्पेक्शन करके बताएगा, सेपरेटली इंस्पेक्शन उसकी घर की होगी, एंड वो आपकी तरफ से पूरे पॉजिटिव पॉइंट्स बताएगा कि इस घर में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। आप रियल्टर सर्च कर रहे हो तो आप ईमेल कर दो हमें, वी विल गेट यू इन टच विद सम गुड रियल्टर। सो इवन इफ आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको 3 या 4 बेडरूम्स चाहिए, सो ऑन एन एवरेज यहाँ पे घर एटलीस्ट 3 बेडरूम के होते ही हैं। बट अगेन अगर आप कॉस्ट की बात करो और एरिया की बात करो तो ऑब्वियसली फिर 3 बेडरूम कम एरिया में बहुत छोटे छोटे होंगे और आप इतना सामान रख नहीं पाओगे। बहुत केसेस में ऐसा भी होता है कि बेसमेंट्स भी बनी नहीं होती, सो वो एक एडिशनल कॉस्ट तो आप लगा के चलोगे। अगर आप नया या थोड़ा पुराना घर ले रहे हो
और उसमें किसी ने बेसमेंट नहीं बनाई हुई, सो दैट्स एडिशनल कॉस्ट फॉर यू. सो ऊपर से बहुत खर्चा होता है लाइक. और बहुत डिफिकल्ट होएगा कि 6.5 का आप घर ले रहे हो तो उसके अंदर आपको बेसमेंट मिलेगी, बहुत कम चांसेस होते हैं. बिकॉज जिसमें रेंटल बेसमेंट होती है जो आप रेंट पे दे सकते हो, वो ऑब्वियसली घर महंगा ही होता है. सो एक एवरेज कॉस्ट मान के चलते हैं कि $7,00,000 का आप घर लेना चाहते हो एंड उसके ऊपर आपको 5% मिनिमम डाउन पेमेंट करनी होती है. आप 5% भी कर सकते हो, आप 20% भी कर सकते हो. तो एवरेज लेके चलते हैं कि आप $7,00,000 का घर ले रहे हो. सो 5% कितना हो गया, $35,000 हो गया. $35,000 सेव करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 years लग जाएंगे. लेट्स से आप कपल हो और 2 लोग जॉब करते हैं घर में, एक बंदे की आप कंप्लीट सैलरी आप सेविंग में डालोगे. ऑन एन एवरेज मैं ले रहा हूँ कि 4,000 पर पर्सन आपकी सैलरी है एवरेज. सो 4,000 आपका पर मंथ खर्चा हो गई होगा. 4,000 आप सेविंग में डालोगे घर के लिए. सो एक साल में आप $50,000 कम से कम सेव कर पाओगे. अब आप बोलोगे कि यार मैं $50,000 तो मैंने सेव कर लिए एक साल में ही, तो मैं घर ले सकता हूँ 35,000 डाउन पेमेंट करके. बट ऐसा नहीं होता. आपके पास एटलीस्ट $100,000 होने चाहिए जब आप एक $35,000 की डाउन पेमेंट करने जा रहे हो. वाई? बिकॉज जैसा मनप्रीत ने बोला, एक्स्ट्रा खर्चे बहुत सारे होते हैं. ऐसा नहीं होगा कि आपने 35,000 डाउन पेमेंट करी, आपने घर ले लिया और आप सीधा मॉर्गेज पे करना स्टार्ट कर दिया आपने हर महीने, उसके बाद कोई खर्चा नहीं होगा. ऐसा नहीं होता. उसके ऊपर एक्स्ट्रा आपकी क्लोजिंग कॉस्ट होती है. वो 35,000 की डाउन पेमेंट आपको 50,000 की पड़ेगी. एंड गॉड फॉरबिड अगर उसके ऊपर घर के ऊपर कुछ खर्चा आ गया तो आपका 100,000 पूरा लग जाएगा. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान देने. सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि जब आप डाउन पेमेंट करने जा रहे हो तो आपके अकाउंट में बफर अमाउंट होनी चाहिए. बिकॉज गॉड फॉरबिड कोई इमरजेंसी हो जाए या फिर लाइक लुकिंग एट द करंट सिचुएशन जहाँ पे किसी को नहीं पता जॉब्स रहनी है कि नहीं रहनी, सो यू ऑलवेज हैव टू प्लान एंड कीप बफर. एक एग्जाम्पल यही है करंट सिचुएशन की. अभी कितने सारे सिचुएशंस हैं जहाँ पे बंदे मॉर्गेज पे नहीं कर पा रहे. क्यों? क्योंकि वो डिपेंड कर रहे थे कि हमारी सैलरी आएगी, हम एवरी मंथ मॉर्गेज पे करेंगे. बट सबकी जॉब चली गई है, बहुत लोगों की जॉब चली गई है, तो अगर वो मॉर्गेज दे रहे थे अब नहीं दे पा रहे. ये सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान होता है अगर आप सिर्फ सैलरी टू सैलरी चलते हो. सो जैसा कि बोला कि 4,000 आप सेव कर रहे हो पर मंथ, $50,000 के अप्रॉक्सीमेटली आप एक साल में सेव कर लोगे एंड देन 50,000 नेक्स्ट 2 years में करोगे. आप 2 years में फिर आप घर ले सकते हो, सोच सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो प्रोसेस. बट आप जल्दी भी घर ले सकते हो, ऐसा नहीं आपको 2 साल ही लगेंगे. मैंने ऐसी भी सिचुएशन देखी है कि अभी कनाडा में लैंड भी नहीं करते लोग और वो पहले ही घर बुक करा लेते हैं न्यू बिल्डर से, प्री कंस्ट्रक्शन जैसे ही वाले हैं, तो 2 साल में उनको मिलते हैं बट वो पहले से ही बुकिंग करा लेते हैं. यहाँ पे आके भी 1 साल में ले सकते हो. वो कब पॉसिबल है? जब आप अपनी कंट्री से पहले से सेविंग लेके आ रहे हो. जैसे हम सेविंग लेके आए थे, यही रीज़न था कि हमने 1-1.5 साल के अंदर घर बुक करा लिए थे. अदरवाइज तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता कि यहाँ पे आप सेव करोगे अपनी सैलरी में से एंड देन घर लोगे, तो उसमें एटलीस्ट 3-4 years लग जाते हैं. अगर आप सेविंग नहीं लेके आ रहे तब भी आपके पास एक सोल्यूशन है जिससे आप बहुत जल्दी पैसे सेव कर सकते हो और आप घर ले सकते हो. वो सोल्यूशन ये है कि अगर आप एज अ कपल आ रहे हो यहाँ पे, सो वन ऑफ यू कैन मूव टू अ कॉन्ट्रैक्ट जॉब और दूसरा फुल टाइम कर सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जॉब में आपको सैलरी ज्यादा मिलती है. सो दैट वेज आप बहुत ज्यादा सेव कर सकते हो पैसे. सो दैट्स लाइक अ क्विक सोल्यूशन. तो इंस्टेड ऑफ 4,000 पर मंथ, मे बी यू विल बी एबल टू सेव 6-7,000 पर मंथ. सो वही जो 2 साल का आपका वेट है घर लेने में, वो रिड्यूस होकर 1 year हो जाएगा. बट अगेन इसमें रिस्क रहता है कॉन्ट्रैक्ट जॉब में, सो थोड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उतनी सर्टेन नहीं होती. उसकी श्योरिटी नहीं होती. आपका कॉन्ट्रैक्ट 6 months में ओवर हो जाएगा, फुल टाइम तो आपकी रहेगी जॉब, राइट? सो आप सोच रहे होगे पागल बना रहे हैं ये, कभी कीचड़ में जूता दिखा रहे, क्या रहे, कॉस्ट तो बता नहीं रहे घर की. सो कॉस्ट हमारे घर की बताते हैं. वेट. सो सब कुछ पूरा बेसिक आपको बताना था एंड उसके बाद आपको कॉस्ट बताएंगे, सो दैट आपको पूरा लिंक कर पाओ फ्लो. कॉस्ट हमें सेमी डिटैच घर की अपनी पड़ी है $7,50,000, जो कि ठीक है बिकॉज इतने के ही सेमी डिटैच घर आते हैं. और पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे कि टाउन हाउस कैसे होते हैं, सेमी डिटैच, डिटैच, हर एक टाइप के घर में आपको जाके दिखाएंगे. बट 750,000 इज नॉट दी फाइनल कॉस्ट. सो हमने इसमें 7% डाउन पेमेंट करी थी. ऑब्वियसली अगर आप 20% से लेस डाउन पेमेंट करते हो तो आपकी कॉस्ट एक्स्ट्रा बढ़ जाती है. वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि क्यों बढ़ती है. 20% अगर आप डाउन पेमेंट करते हो तो आपकी 750,000 का ही आपको कॉस्ट पड़ेगा. अब 750,000 का आपने घर लिया है तो ऐसा नहीं कि उतने ही कॉस्ट है. उसकी क्लोजिंग कॉस्ट आप ऐड करोगे. कोई बिल्डर नया घर देता है, वो अप्लायंसेस नहीं देता, तो हमें उसकी कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ी. एग्जाम्पल देता हूँ एक छोटा सा.
अभी एसी लगवाया 2 दिन पहले, $3,500 लगे हैं उसके अंदर सिर्फ एसी लगवाने के, जस्ट इमेजिन। ऐसे छोटे छोटे बहुत खर्चे होते हैं, क्लोजिंग कॉस्ट मिला के 750,000 का घर हमें 800,000 का पड़ ही गया है छोटे छोटे खर्चे डाल के। और ये हमारा नया घर था, न्यू बिल्डर जैसे कंस्ट्रक्शन चल रही है इसलिए भी थोड़े ज़्यादा इसमें खर्चे थे। तो नए घर में फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, उसका भी एक डिटेल वीडियो बनेगा। बट एट दी एंड हम यही बोलना चाहेंगे कि सारी इन्फॉर्मेशन लेके आप कोई गलत डिसीजन ना लो हो ये सोच के कि मार्केट अभी डाउन जा रही है या फिर घर आपको कोई सस्ता मिल रहा है आप ले लो। इसलिए हमने आपको सारे पॉइंट बताए कि डोंट रश फॉर इट। एग्जाम्पल देते हैं आपको, हमारा जो पुराना अपार्टमेंट था वन रूम अपार्टमेंट था वो लेक शोर पे मिसिसागा में बहुत अच्छा था, वी वर वेरी हैप्पी। लेक शोर बहुत अच्छा एरिया था और हमें एक रूम से ज्यादा की जरूरत भी नहीं थी, बिल्कुल गो स्टेशन के पास था। बट अगर हमारी सिचुएशन चेंज ना होती, फॉर एग्जाम्पल हमारी फैमिली ना आ रही होती, तो शायद हम घर अभी लेते ही नहीं। अगर आपकी सिचुएशन भी सेम है, अगर आपको घर की जरूरत नहीं है, तो डोंट रश फॉर इट। जस्ट टू बी इन द मार्केट, डोंट रश फॉर इट। पूरा अपना टाइम लो, जब आपको लगे कि राइट टाइम है, अभी हमारे पास नेक्स्ट वन ईयर की सेविंग भी है, हमारे पास स्टेबल इनकम भी है और हमें घर चाहिए भी, तभी आप जाओ। बिकॉज अगर आपका रेंट भी कम है, फॉर एग्जाम्पल हमारा रेंट 1500 था जो कि बहुत कम है आई वुड से, बिकॉज मिसिसागा लेक शोर डाउनटाउन एरिया में आपको 2000 से कम रेंट नहीं मिलता है। सो अगर आपका रेंट कम भी है, एक और आपके पास रीजन है कि अभी आपको जरूरत नहीं है घर लेने की, अभी उसमें एक साल लेट से आप सर्वाइव कर सकते हो, एंड देन आप पूरी जगह शॉर्ट लिस्ट करते हो। आप आते ही घर लोगे, आपको पता ही होगा कि कौन सा एरिया बेटर है, कहाँ पे आपको घर लेना चाहिए, किस टाइप का लेना चाहिए। सो एक डेढ़ साल आपको लगेगा देखने में कि कौन सा एरिया बेटर है, किस टाइप का घर आपको चाहिए। तो स्टार्ट विद आप एक मार्केट रिसर्च स्टार्ट कर सकते हो, आप वेबसाइट्स पे जाकर चेक करो कैसे घर होते हैं, आप हमारे वीडियोस देखो, आप ओपन हाउसेस में जाओ, सो देट आपको एक फेयर अंडरस्टैंडिंग होगी अगर आप आफ्टर वन ईयर वन एंड हाफ ईयर्स घर ले रहे हो तो आपको कैसा घर चाहिए, एक क्लैरिटी आती जाएगी आपके पास माइंड में। सो नो हार्म इन दैट, राइट। एंड ये सीरीज बनाने का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जो हमने सीखा है पूरे एक साल के प्रोसेस में वो आपको हम 4-5 वीडियो के अंदर बता दें, सो दैट आपके कुछ $1,000 सेव हो जाएं और आप कोई इमोशनल डिसीजन ले लो और फिर गलत घर ले लो एंड फिर रिग्रेट करो। बिकॉज घर बाय करना सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है कनाडा में, वो गलत डिसीजन नहीं लेना होता। एक बार आप गलत डिसीजन लोगे आप 10-15 साल रिग्रेट करोगे, तो एक बार में आप अपनी चॉइस का बिल्कुल सस्ता घर लो, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो घर लेने की सोच रहे हैं, एंड कॉन्टिन्यूसली बैक टू बैक वीडियोस आते रहेंगे। सो कीप चेकिंग दी चैनल, सब्सक्राइब, प्रेस दी बेल आइकन एज वेल। अब मुझे डांट पड़ने वाली है बिकॉज अंधेरा हो चुका है, हमने वॉक स्टार्ट भी नहीं करी है और वीडियो आई डोंट नो की क्वालिटी भी थोड़ी खराब हो गई बिकॉज लाइट कम हो गई और जाके शूज भी धोने हैं। तो चलते हैं, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, स्टे सेफ, टिल नेक्स्ट टाइम, स्टिक अराउंड। So, यहाँ पे नारियल फोड़ चुके हैं और यहाँ पे फाउंडेशन बन चुकी है। नेक्स्ट स्टेप जो आपने वहाँ पे देखा था कि बेसमेंट बन रही है, फाउंडेशन बड़ी हो रही है, उसके बाद वहाँ पे स्ट्रक्चर बन चुका है, वहाँ पे रूफ डलनी शुरू हो गई है, वहाँ रूफ बन चुकी है, वो फिनिश्ड लुक है वहाँ पे आप देख रहे हो और फाइनली घर वैसा लगेगा। जी भी डाल दिया मैंने पैर, बाहर निकालो, इसमें मेरी गलती नहीं है। अब अभी तुमने डाला है भाई, दूसरे शूज पहने हैं वो भी गंदे हो गए तुम्हारी वजह से।